हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉर्मल स्कूल जामनगर। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में स्टैंडर्ड 7 गुजराती मीडियम सब्जेक्ट हिंदी उसमें लेसन नंबर 2 यानी कि पोएम 2 तब याद तुम्हारी आती है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। चलो, इसका लेखक कवि कौन था? राम नरेश त्रिपाठी का जन्म 4/3/1889 को उत्तर प्रदेश में सुल्तानपुर जिले के कोइरीपुर नामक गांव में हुआ था। जो क्या थे? एक उपन्यासकार, नाट्यकार और आलोचक भी थे। उनकी काव्य मुख्य काव्य कृतियां कौन कौन सी थी? मिलन, पथिक, स्वप्न और मानसी। स्वप्न पर उन्हें हिंदुस्तान अकादमी का पुरस्कार भी मिला था। उनकी हे प्रभु आनंददाता ज्ञान हमको दीजिए जो प्रार्थना बहुत फेमस है। उनका निधन कब हुआ था? 16 जनवरी 1992 को हुआ था। सुबह का वातावरण खुशनुमा होता है और प्रकृति का कण कण दर्शनीय होता है। रिमझिम बारिश में सुबह का दृश्य मनमोहक और आकर्षक होता है। प्रस्तुत कविता में इसका सुंदर वर्णन किया गया है। એટલે કે વહેલી સવારનું વાતાવરણ છે એકદમ કેવું હોય? ખુશનુમા, આનંદદાયક, અને પ્રકૃતિના બધા જ જે તત્વો છે કણે કણ એકદમ જોવાલાયક હોય છે। રિમઝિમ એટલે ધીમો ધીમો જે વરસાદ આવતો હોય તે, એમાં સવારનું જે દ્રશ્ય છે એકદમ મનમોહક હોય છે, આકર્ષક હોય છે, આપણને આનંદ આવે એવું હોય છે। તો એ જ પ્રસ્તુત કવિતામાં એનું વર્ણન સુંદર રીતે કરેલું છે। તો ચાલો જોઈએ। जब बहुत सुबह चिड़िया उठकर कुछ गीत खुशी के गाती है, कलिया दरवाजे खोल खोल जब दुनिया पर मुस्काती है, खुशबू की लहरें जब घर से बाहर आ दौड़ लगाती है, ये जग के सृजन आर प्रभु तब याद तुम्हारी आती है। जो चिड़िया भोर में यानी सुबह उठते ही जल्दी उठकर इस तरह चहचहाने लगती है, इसलिए हमें लगता है कि कुछ खुशी के गीत गाती है। जैसे वे खुशी के कुछ गीत गा रही हो, कलियां भी अपने दरवाजे ना वो खोल देती है। कलियां यानी कि जो फूल खिलने लगता है उसकी कली जो है वो खुल जाती है, तब दुनिया पर मुस्काने लगती है। यानी कि चारों ओर फूल की जो कली है वो खिल जाती है और पूरी ये दुनिया को देखती है। खुशबू की लहरें फूल खिलने के कारण उसकी जो खुशबू की लहरें वो फूलों में से निकलकर चारों ओर फैलने लगती है। इस सृष्टि को रचने वाला है प्रभु, यानी कि उस सृष्टि की रचना करने वाला जो ईश्वर प्रभु है, इसने जो ऐसी दुनिया विश्व का रचना की है, ये सब कुछ देखकर प्रभु की यानी कि ईश्वर की हमें याद आने लगती है। आपने गुजराती में जोइए, जयरे वहली सवारे पक्षीओ उठीने एवी रीते कलरव करवा लागे छे के जाने खुशीना गीत गाई रह्या होय। જ્યારે કળીઓ છે ફૂલમાં જે કળીઓ હોય એ પણ જ્યારે સવાર થાય ત્યારે ખીલી ઉઠે છે અને ફૂલની અંદરની જે સુગંધ છે ચારે બાજુ પ્રસરે છે, બરાબર, ત્યારે જાણે દુનિયા પ્રત્યે સ્મિત કરતી હોય એવું આપણને લાગે છે, બરાબર। અને આ બધું સર્જન કરનાર જે ઈશ્વર છે એની આપણને તરત યાદ આવી જાય છે। ચલો આગળ વાત કરીએ। जब छमछम बूंदे गिरती है, बिजली चमचम कर जाती है, मैदानों में बनबागों में जब हरियाली लहराती है, जब ठंडी ठंडी हवा कहीं से मस्ती ढोकर लाती है, हे जग के सृजन हार प्रभु जब याद तुम्हारी आती है। आपको मालूम है कि छमछम बूंदे कब आती है? हाँ, बारिश के मौसम में। जब वर्षा ऋतु में छमछम कर वर्षा की बूंदें आसमान से धरती की ओर आने लगती है, तब छमछम कर आकाश में यानी कि आसमान में बिजली भी चमकने लगती है।
मैदानों में, वन बागों में यानी कि वन जंगल और बाग यानी कि बगीचा, उसमें चारों ओर बारिश की बूंदे गिरने के कारण हरियाली सी छा जाती है। बारिश आने के कारण चारों ओर जो वातावरण है वो बहुत मनमोहक हो जाता है, क्योंकि चारों ओर ठंडी ठंडी हवा है वो मस्ती होकर लहराने लगती है। यह देखकर सृष्टि की रचना करने वाला जो प्रभु यानी कि ईश्वर, उसकी याद हमें आने लगती है। गुजराती में जोईए, वरसाद तुमा ज्यारे छमछम करता वरसादना टीपा नीचे पड़े छे, એટલે કે आसमान थी आकाश थी जमीन पर पड़े छे, અને એ સાથે આકાશમાં વીજળી પણ થતી હોય છે, ચમકતી હોય છે, અને આના કારણે મેદાનો, વનો એટલે કે જંગલો, બાગ બગીચા કે જેમાં ચારે બાજુ હરિયાળી છવાઈ જાય છે, એટલું જ નહીં પણ ચારે બાજુ ઠંડો ઠંડો પવન છે એ પણ ક્યાંકથી પોતાની સાથે ભરપૂર મસ્તી લઈને આવતો હોય એવું આપણને લાગે છે। અને ત્યારે આ બધું જોઈને આપણને આ સૃષ્ટિના સર્જનહાર એટલે કે ઈશ્વર એની યાદ આવી જાય છે। ચલો શબ્દાર, ચીડિયા યાની પંછી, પક્ષી, લહર યાની તરંગ, ઝોકા, સર્જનહાર યાની કે સૃષ્ટિ કી રચના કરને વાલા પ્રભુ ઈશ્વર, હરિયાળી યાની કે હરાભરા, ઢોના યાની બોજ ઉઠાના। ઓકે ચલો એક બાર ઇસ પોએમ કા હમ રાગ પઢ લેતે હૈ। चलो शुरू करें, आपको भी मेरे साथ गाना है। जब बहुत सुबह चिड़िया उठकर कुछ गीत खुशी के गाती है, कलिया दरवाजे खोल खोल जब दुनिया पर मुस्काती है, खुशबू की लहरें जब घर से बाहर आ दौड़ लगाती है, हे जग के सृजन हार प्रभु तब याद तुम्हारी आती है। जब छमछम बूंदे गिरते हैं बिजली चमचम कर जाती है, जब छमछम बूंदे गिरती है बिजली चमचम कर जाती है, मैदानों में बनबागों में जब हरियाली लहराती है, मैदानों में बनबागों में जब हरियाली लहराती है, जब ठंडी ठंडी हवा कहीं से मस्ती ढोकर लाती है, हे जग के सिरचन हार प्रभु तब याद तुम्हारी आती है। ओके चलो आगे हम अभ्यास में बात करते हैं। प्रश्नों के मौखिक उत्तर दीजिए। सुबह होते ही क्या क्या होता है? तो सुबह होते ही चिड़िया चहचहाती है, कलियां खिलने लगती है, खुशबू की लहरें फूलों से निकलकर चारों ओर फैल जाती है। चलो उसके बाद मैदानों में हरियाली कब लहराती है आपको मालूम है? कब लहराती है? हाँ, मैदानों में हरियाली कब को निकाल के? वर्षा ऋतु में यानी कि बारिश के मौसम में। मैदानों में हरियाली वर्षा ऋतु में लहराती है। चलो आपको प्रभु की याद कब आती है? तो उसमें क्या लिखेंगे हम? तारे, सूरज, चांद, सागर, पर्वत आदि प्रकृति के सुंदर और अद्भुत रूपों को देखकर हमें प्रभु की याद आती है। उसके बाद तुम सुबह में उठकर क्या क्या देखते हो? चलो हम सुबह उठकर क्या क्या देखते हैं? तो हम सुबह उठकर पूर्व दिशा में सूर्योदय को देखते हैं। उसके बाद चिड़िया जो चहचहा रही है वो भी हम देखते हैं, कलियां खिल रही है वो हम देखते हैं, लोग अपने अपने काम में लग जाते हैं, पाठशाला जाने वाले विद्यार्थी आपके जैसे जो घर से निकल पड़े हैं, दूध वाला घर घर दूध और अखबार वाला घर घर अखबार पहुंचा रहा है। ओके सूर्योदय निकलता है, चिड़िया चहचहाने लगती है, कलियां खिल जाती है, सब अपने अपने काम में लग जाते हैं, पाठशाला जाने वाले विद्यार्थी हमें देखने को मिलते हैं, दूध वाला घर से दूध और अखबार वाला जो घर घर पर अखबार पहुंचाने चाहता है। चलो आगे हम बात करते हैं। चित्र को देखकर वचन परिवर्तन कीजिए।
चलो इधर क्या है, एक ही चिड़िया है तो हम क्या लिखेंगे, चिड़िया उड़ रही है, लेकिन इधर कई सारी है तो हम क्या लिखेंगे, चिड़िया उड़ रही है। सिर्फ यही सेंटेंस इधर लिखना है, लेकिन यहाँ है ना उसके ऊपर चंद्र बिंदी ऐसे लगानी है। ओके चलो आगे हम बात करते हैं, कली नहीं खिली है, तो कली की जगह में क्या करना है इधर, कलियाँ, क्योंकि एक फूल हो तो उसकी कली होती है, लेकिन कई सारे फूल हो तो उसकी कलियाँ होती है, इसलिए कलियाँ नहीं खिली है। चलो बूंद गिरती है, तो इधर एक नहीं ऐसी कितनी है, तीन बूंदें, तो एक से ज़्यादा हो तब हम क्या करते हैं उसका प्लूरल फॉर्म लेते हैं, यानी कि बहुवचन, तो बूंदें गिरती है, बाकी का ऐसा ही। चलो आगे हम बात करते हैं, दरवाजे खुले हैं, तो इधर एक दरवाजा हो तो हम क्या बोलेंगे, दरवाजा खुला है। ओके चलो आगे हम बात करते हैं, लड़कियां खेल रही है, तो कई सारी हो तो हम लड़कियां बोलेंगे, लेकिन एक लड़की हो तो क्या बोलेंगे हम, लड़की, लड़की खेल रही है। ओके चलो आगे हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, शब्दों को उचित क्रम में रखकर अर्थपूर्ण वाक्य बनाइए। चलो इसमें अलग अलग है वर्ड जिसको मैं मिला के एक सेंटेंस बनाना है, जैसे कि फर्स्ट में बात करूं तो जल ही जीवन है। ओके जल ही जीवन है, तो एक सेंटेंस बनेगा ऐसा। उसके बाद फूलों में रंग कौन भरता है, फूलों में कौन रंग भरता है। उसके बाद हम बात करते हैं, चलो हे बिजली में बादल चमकती क्यों, तो क्या बनाएंगे हम, बादल में बिजली क्यों चमकती है। हो गए ऐसे तीन सेंटेंस, 1, 2 और 3। पहला कौन सा था, जल ही जीवन है, उसके बाद सेकंड में क्या लिखा हमने, फूलों में रंग कौन भरता है, और थर्ड सेंटेंस बादल में बिजली क्यों चमकती है। चलो आगे हम बात करते हैं, सबसे कौन, सबसे तेज कौन, तो साथ साथ छात्रों को टोली बनाइए और अपने नाम के पहले वर्ण के अनुसार शब्दकोश के क्रम के मुताबिक खड़ा रहने को कहिए। ओके तो आपको करना है जैसे कि रमेश, अशोक, विपुल, साहिल, राकेश, मुकुल, मयंक, तो हम क्या बनाएंगे, अशोक, उसके बाद मयंक, उसके बाद मुकुल, उसके बाद रमेश, राकेश, विपुल, साहिल। ओके ऐसे आपको बनाना है। चलो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, आपको नीचे दिए गए शब्दों के अर्थ शब्दकोश में से ढूंढकर तेजी से कौन बता सकता है। चलो उसमें पहले क्या है, कुक, तो कुक से कोयल बोली, कोयल बोली ऐसा लिखना है आपको, कुक कोयल बोली, कोयल की बोली। ओके चलो इसके बाद इरादा, इरादा को क्या बोलते हैं, संकल्प, तो इरादा इधर आपको लिखना है डैश करके, संकल्प। ओके उसके बाद तरुवर, तरुवर तो क्या बनाएंगे हम, श्रेष्ठ या बड़ा वृक्ष, तरु यानी कि वृक्ष होता है ना, तो तरुवर उसका मीनिंग क्या होता है, श्रेष्ठ या बड़ा वृक्ष। चलो आगे हम बात करते हैं, मुक्त लेन जिसको कहते हैं, मुक्त यानी मोहित। उसके बाद गुजारिश, गुजारिश तो निवेदन। ओके चलो प्रश्नों के उत्तर लिखिए, चिड़िया खुशी के गीत कब गाती है, तो चिड़िया बहुत सवेरे खुशी के गीत गाती है। उसके बाद सेकंड, सुबह होने पर प्रकृति में कैसे बदलाव आते हैं, तो सुबह होने पर आकाश में तारे छिप जाते हैं, रात का अंधेरा दूर होने लगता है, पूर्व दिशा में सूर्योदय के पहले लाली सी छा जाती है, पंछी चहचहाने लगते हैं और कलियां खिलने लगती है, और इस तरह
पूरा वातावरण में ताजगी सी छा जाती है। पृथ्वी पर हरियाली कब छा जाती है? तो वर्षा ऋतु में धरती को पानी मिलता है, वीरान पड़ी धरती पर घास उगती है, सूखे पौधे हरे वो उठते हैं, पेड़ों को नया जीवन मिलता है, उनके हर पत्तों की शोभा बढ़ती है और इस प्रकार वर्षा ऋतु में पृथ्वी पर हरियाली छा जाती है। चलो आगे हम बात करते हैं, हरियाली कहाँ कहाँ दिखाई देती है? तो आपको मालूम है कि हरियाली है वो ज़्यादातर कहाँ देखने को मिलती है? हाँ, खेतों में। तो वर्षा ऋतु आने पर मैदान में हरी घास उग जाती है, खेतों में हरी फसलें लहराती है, हरे भरे पेड़ पौधे झूम उठते हैं, बागों और जंगलों में भी हरियाली की बहार छा जाती है, सूखे पर्वत हरे हो जाते हैं और इस प्रकार वर्षा ऋतु में धरती पर जहाँ देखो वहाँ हरियाली दिखाई देती है। चलो निम्नलिखित काव्य पंक्तियों का भावार्थ लिखिए। कलिया दरवाजे खोल खोल जब दुनिया पर मुस्काती है, सुबह होने पर कलिया भी जैसे नींद से जाग उठती है, उनकी बंद पंखुड़ियाँ खुलने लगती है, वे मानो सोने वालों पर मुस्काती है और कहती है कि हमारी तरह तुम भी हंसो, मुस्कुराओ, आलस और उदासी को दूर भगाकर काम में लग जाओ। उसके बाद जब चमचम बूंदे गिरती है, बिजली चमचम कर जाती है, यानी वर्षा ऋतु में बादल बरसने लगती है, तब पानी की बूंदे चमचम की आवाज़ करती है, ऐसा लगता है जैसे वे नृत्य कर रही हो। उस समय बिजली भी चमकने लगती है, ऐसा लगता है जैसे बूंदों का नृत्य देखकर आकाश का चेहरा खुशी से चमक उठता है। चलो उदाहरण के अनुसार निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द कोष्टक में से ढूंढकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। चलो सुबह यानी प्रातःकाल, तो उनसे एक सेंटेंस आपको दिया गया है, वाक्य प्रातःकाल देवालय में पूजा होती है, यानी सुबह मंदिर में पूजा होती है। चलो उसके बाद खुशी, खुशी यानी आनंद, हर्ष, तो इनसे हमें वाक्य बनाना है, आज मुझे बहुत खुशी हुई, है ना। उसके बाद खुशबू, खुशबू यानी सुगंध, मुझे गुलाब की सुगंध बहुत अच्छी लगती है। उसके बाद बहुत यानी ज़्यादा, आज बहुत सी ठंड है। उसके बाद मुस्काना यानी हंसना, हंसना मुस्काना सेहत के लिए अच्छा होता है, ऐसे में सेंटेंस बनाना है। चलो क्वेश्चन नंबर 4, इन यात्रियों को शब्दकोश के क्रम के आधार पर अपने डिब्बे में बैठाइए। चलो सबसे पहले क्या आएगा, हाँ उठकर, उसके बाद कलिया, उसके बाद चांद, उसके बाद मुस्कान और लास्ट में आएगा मैदान। उठकर, कलिया, चांद, मुस्कान और मैदान, ओके। चलो आगे हम बात करते हैं योग्यता विस्तार। इस कविता को कंठस्थ कर प्रार्थना सभा में इसका गान कीजिए, जो हमने कर लिया, पढ़िए। चम चम, छम छम, खोल खोल, ठंडी ठंडी, उपर्युक्त शब्द काव्य में है, ऐसे ही अन्य शब्द हमें ढूंढना है, जैसे कि टप टप, ढम ढम, सन सन, जर जर, फट फट, है ना, ये शब्द हम इधर लिखेंगे। तो फ्रेंड्स, इधर हम पोएम 2 फिनिश करते हैं, फिर से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।